जल्दी से और आंसर मुझे बताओ कि मैं विजिबल हूँ, आप लोग मुझे प्रॉपरली देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, जल्दी से बता दो। चलिए चलो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन लाइव है मुझे मैसेज कर दीजिए, इससे मुझे पता चल जाए कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको। हे राजू, शानू, कौन कौन जल्दी से मुझे मैसेज कीजिए, फिर मैं आगे चलूँ, इससे मुझे पता चले कि कोई दिक्कत नहीं आप लोग मुझे देख पा रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू अन अकेडमी, लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम। हे फारूक, तो आज मैं आपके साथ क्लासिफिकेशन डिस्कस करने जा रही हूँ। ओके, तो देखो क्लासिफिकेशन से पहले मैं अपने बारे में बात करती हूँ। मैं पारुल सिकरवार पिछले 9 साल से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ा रही हूँ। क्रैक एसएससी एग्जाम विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी पर कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना होगा। अनअकैडमी को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या, डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, एक स्ट्रक्चर कोर्स होता है हम लोगों का, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, लाइव डाउट क्लासेज होती हैं और अनलिमिटेड एक्सेस होता है आपका, कोई लिमिटेशन नहीं है आपके लिए। तो अगर आपको कोई एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, इस साल किसी भी एग्ज़ाम की आपको टारगेट करना चाह रहे हो, तो आज ही अनअकैडमी पे इसको सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के लिए करना क्या होगा आप लोगों को, वो देखो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, ठीक है। इस पर आपका जो भी गोल है बच्चों, वो गोल चूज करो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जो भी गोल है, और उसके बाद सब्सक्राइब कर लो। चलो क्या क्या करना पड़ेगा सब्सक्राइब्स के बाद। हमारी जो फीस है वो 6,000 रुपये है एक साल की, जो बहुत ही नॉमिनल है, बट इस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये मेरा कोड लाइव पीएस अप्लाई करोगे, तो फीस हो जाएगी 5,400 और हमारी 2 साल की फीस है केवल 6,480। तो बस आज ही मेरा कोड अप्लाई करो लाइव पीएस और अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करो। अनअकैडमी पर जब आप पढ़ाई करोगे तो यू रियलाइज कि बहुत ही फ्रूटफुल है आपके लिए, अनलिमिटेड एक्सेस है, लाइव क्लासेज हैं, लाइव डाउट क्लासेज हैं, सारे रीजनिंग, मैथ, जीएस, इंग्लिश, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है, प्री और मेंस की तैयारी भी है आपकी यहाँ पर। चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं आरएस अग्रवाल से एनालॉजी डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। ये एनालॉजी का फर्स्ट टॉपिक है। चलो जल्दी जल्दी से आंसर देते जाओ स्पीड को बढ़ाते हुए। देखो जितनी हमारी स्पीड अच्छी होगी उतने ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। हे फारूक, शालू, अशोक, प्रशांत, मिलिंद, वेरी गुड। बाकी लोग कहाँ हैं क्लास के, सबको बोलो जल्दी जल्दी आए, अपने अपने दोस्तों को शेयर करते जाओ। हे जितेन, डी आंसर आ गया मुझे, ए आंसर, डी आंसर, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो कीवी, ईमू, पेंगुइन्स, ऑस्ट्रिच, ये उड़ नहीं सकते, जबकि ईगल बहुत ऊंचाई तक उड़ता है, तो ये फ्लाइटलेस हमारे वो हैं, वो बर्ड्स हैं। इन्हें उड़ना है, थोड़ा बहुत उड़ सकते हैं बट ये बहुत लंबी उड़ नहीं सकते, इसलिए ईगल हमारा आंसर है। ईगल हमारा बहुत लंबा उड़ता है, ये फ्लाइटलेस है, ठीक है, समझ आया। आंसर बी होगा, ना तो आंसर ए है ना आंसर डी है। जरा देखो क्या क्या ऑप्शन दे रखे थे आप लोगों ने, जल्दी से बताओ। बी आंसर है। अरे नहीं बच्चा, कीवी एक
क्या बोलते हैं, एक बर्ड है, कीवी एक बर्ड है सानिया, फ्रूट भी है बर्ड भी है। नहीं, कीवी एक बर्ड है, टाइप कर लो जल्दी से। अरे बच्चा सानिया, कीवी एक बर्ड भी है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल का। हाँ, फ्रूट भी तो है, तो यहाँ तो बर्ड की बात कर रहे हैं ना, बर्ड के रिस्पेक्ट में कीवी एक बर्ड है। हे अमन, मिलिंद, कोई बात नहीं, समझ आया कि नहीं? समझ में आना चाहिए अभी। कीवी एक बर्ड है, ओके, कीवी एक फ्रूट भी है और कीवी एक बर्ड भी है। यहाँ ये सब बर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो कीवी एक बर्ड है, ओके सानिया। तो कीवी बट फ्लाइटलेस है, ईमू भी फ्लाइटलेस है, पेंगुइन भी फ्लाइटलेस है, ऑस्ट्रिच भी फ्लाइटलेस है। तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। कोई डाउट है तो पूछते चलो बच्चों, जल्दी जल्दी लाइक और शेयर करते चलो, जल्दी से आंसर दो। आ गया, चलो फिर जल्दी जल्दी लाइक और शेयर करते चलो। क्लास की स्ट्रेंथ आजकल बहुत अच्छी नहीं हो रही है, उसका रीजन मुझे बता दो। अगर आपको आरएस अग्रवाल नहीं करनी है तो बोलो, ये बहुत बेसिक्स के लिए बहुत अच्छी है, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। पर मुझे ऐसा लग रहा है शायद बच्चों को इसकी इम्पोर्टेंस कम पता है। सबसे पहले मिलिंद का आंसर आ गया बी। डी पक्का? चलो, ये की फ्रूट है, सभी बर्ड की लिस्ट में भी तो और होता है। नहीं प्रशांत, कीवी जब हमारे बर्ड की लिस्ट में आएगा तो कीवी को हम हमेशा बर्ड मानेंगे, फ्रूट नहीं मानेंगे। जब फ्रूट की कैटेगरी में आएगा, जब चार फ्रूट है, तब हम कीवी को बर्ड मानेंगे, ठीक है। ये जनरल सेंस है, क्योंकि कीवी एक वर्ड है, तुम उसे उस टाइम फ्रूट नहीं मान सकते हो। समझ आया प्रशांत? ए अच्छा, देखो इसमें छोटा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं सही लॉजिक वाला आंसर आपको बता रही हूँ। रिवर आंसर है, इसके कई आंसर हैं जिन्होंने सी लगाया है, वो भी ठीक है, बट यहाँ बुक के अकॉर्डिंग सी आंसर है। क्यों आंसर है समझो, झील, सागर, पूल, तालाब, इनमें स्टैग्नेंट वाटर रहता है, वाटर पानी रहता ही है, वहीं रिवर बहती रहती है, ठीक है। रिवर हमेशा बहती रहती है, पानी इकट्ठा नहीं होता नदी में। हे मंगेराम प्रणाम, हे रोहित कुमार लेट हो गए। हाँ, ये आंसर थोड़ा अजीब लगता है, पर देखो लॉजिक है, बाकी सब में वाटर स्टैग्नेंट है, पानी जमा रहता है, ठीक है। सागर में भी पानी आता रहता है, कहीं जाता नहीं, नदी का पानी आता जाता रहता है, ठीक है। चलो, लेकिन इसके और भी लॉजिक हैं, तो ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोल दिया डिबेटेबल क्वेश्चन है। कुछ लोगों को सी भी आंसर लगता है, क्यों? क्योंकि लेक, रिवर, पूल, पॉन्ड, इन सबका पानी सी में मिलता है। कुछ लोगों को पूल भी लगता है, उनको लगता है कि भाई पूल ना, पूल पर होगा नहीं, सी और रिवर में से कोई का आंसर होगा, पूल नहीं हो सकता। कुछ बच्चों को लगता है कि पूल तो आर्टिफिशियल होता है, पॉन्ड भी आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। तो जिन्होंने बी और सी लगाया उनका सही है, जिन्होंने ए लगाया है, डी लगाया है, ई लगाया है, उनका आंसर रॉन्ग है, बी और सी वाले सही हैं। ऐसे तो तालाब भी सूख जाते हैं सानिया, पूल में पानी क्यों नहीं होता? पूल जब पानी होगा तभी उसे पूल बोलेंगे ना। नो इशू तुलन, आज बड़े दिनों बाद दिख रहे हो। क्वेश्चन का लॉजिक समझ आया? ऑलरेडी मेंशन कर चुकी थी, क्वेश्चन डिबेटेबल है, ठीक है। यहाँ सी भी आंसर है और यहाँ रिवर भी आंसर है। डाउट है तो कोई पूछते चलो। ठीक है, तो सी नदी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि नदी का पानी स्टेगनेंट नहीं रहता, जबकि इन सबका पानी स्टेगनेंट है। और एक और है सागर, क्योंकि इन सबका पानी सागर में मिलता है, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन एसएससी के डिबेटेबल होते हैं,
ठीक है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। एक क्वेश्चन में दो दो लॉजिक होते हैं, कई बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को रॉन्ग कह देता है, कई बार वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेते हैं। ठीक है, चले। अरे पूल में पानी होता है तभी तो पूल होता है वो। देखो जो जो डिबेटेबल क्वेश्चन है ना, उसके डाउट जब तक क्लियर ना हो जाए बताते चलो मुझे, ठीक है। पहले ही बोल दिया था मैंने कि क्वेश्चन जो है डिबेटेबल है। बहुत कंफ्यूजन है, हाँ, क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन नहीं किए, आप इजी इजी क्वेश्चन कर लिए हैं आप लोगों ने। सोचो ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन हॉल में आएगा तो कैसे करोगे। चलो देखो अच्छे से, आंसर है एरो। वेरी गुड, जिन्होंने ये आंसर दिया, कुल्हाड़ी, चाकू, खंजर, तलवार, ये सब हम हाथ में लेके वॉर करते हैं। ठीक है, किसी पे वार करते हैं तो हम हाथ में लेके करते हैं। तीर हम हाथ में नहीं ले सकते, हम उसे छोड़ते हैं तीर को। एरो इज राइट आंसर। ठीक है, ए आंसर है। चलो एरो आंसर है। चलो नेक्स्ट, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से आंसर दो। स्पीड बढ़ा दो कल की तरह, कल बहुत अच्छी स्पीड रखी थी आपने। क्लास की स्ट्रेंथ को जिस हिसाब से गिरा रहे हो ना बच्चे तुम लोग, मैं तो डिप्रेशन में जाने वाली हूँ। हाँ, कितनी कम स्ट्रेंथ है क्लास की, लाइक को शेयर नहीं कर रहे हो क्या तुम लोग, बोलो जल्दी से आंसर दो। एक आंसर आया भी मेरे पास, ई स्टार जितेंद्र, वो क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो देखो आंसर है यूनिवर्स, सन, मून, स्टार, मार्स, ये सब क्या है, यूनिवर्स के पार्ट हैं। आंसर क्या हो गया, यूनिवर्स। हे दीपक कल तो खूब जले हो आप, हाँ। चलो नेक्स्ट, समझ आया यूनिवर्स, वेरी गुड, फैंटेस्टिक। चलो इसका आंसर दो, स्पीड को बढ़ाते चलो। उनकी तो बात ही मत करो सानिया, उन बच्चों की तो। वेरी गुड मिलिन, फैंटेस्टिक। शालू इतनी हंसी। चलो आंसर है स्कूल, हाउस, कॉटेज, पैलेस, हट। यहां पे हम रहते हैं, स्कूल में हम रहते नहीं है, स्कूल पढ़ाई के लिए बनाया जाता है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड दीपक, वेरी गुड। चलो आंसर दो इसका जल्दी से। हिंदी थोड़ी गड़बड़ है, इंग्लिश में देख लेना एक बार। ठीक है, हाँ बस यही हो रहा है। और द एक्सपेक्टेड, वेरी गुड, ए है, टर्टल है, ए पक्का है, ओ माय गॉड। चलो छोटा सा हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है, पर यहां देख लो, देखो थोड़ा डिबेटेबल आ गई अगेन ये, कछुए को भी टर्टल, ऐसे समझो लैम कौन होता है, बछड़ा होता है, बच्चा होता है मेमना, ना बछड़ा नहीं होता, मेमना होता है लैम। कॉल्ट किसको कहते हैं, हॉर्स के छोटे बच्चे को कहते हैं कॉल्ट। फेरो
पिग के बच्चे को कहते हैं, पिगलेट को फैरो भी कहते हैं, पिगलेट जो जो पिग के बच्चे नहीं होते उन्हें पिगलेट और फैरो भी कहते हैं। टर्टल, तो आंसर यहाँ पर डॉग होगा, लेकिन यहाँ टर्टल भी दे रखा है, तो टर्टल चार ऑप्शन होते हैं जनरली एग्जामिनेशन हॉल में, पर कछुए के बच्चों को हम कुछ अलग से नाम नहीं देते, टर्टल ही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ डॉग हो गया क्योंकि डॉग ग्रोन अप वर्जन है, ठीक है, बाकी सब बच्चे हैं, लैम बच्चा है, कॉल्ट बच्चा है, फेरो बच्चा है, हाँ हाँ मेमना, ठीक है। ए थोड़ा सा, हाँ वेरी गुड, डॉग के बच्चे को पपी कहते हैं, तो टर्टल के बच्चे का कोई नाम नहीं है तो ना टर्टल लिखा है खाली, तो यहाँ डॉग होगा आंसर, ठीक है। हाँ मैंने बोल दिया था कि हिंदी में गड़बड़ है, मैंने बोला था कि हिंदी में गड़बड़ है, यहाँ पे होना चाहिए पिक का चाइल्ड ऑफ पिगलेट होना चाहिए था, कुछ ऐसे होना चाहिए था, हिंदी में सही कन्वर्जन मिल नहीं पाता। पूछो फारूक क्या कंफ्यूजन है, चलो नेक्स्ट। चलो आज की क्वेश्चन बहुत सारा डिबेटेबल है, चलो पूछते चलो। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पढ़ लिया फारूक मैंने तुम्हारा कमेंट। आते हैं सानिया, एनटीपीसी हर एग्जाम में आते हैं एक्सेप्ट बैंकिंग, वेरी गुड फैंटेस्टिक, राइट आंसर है ये, आंसर सबने सही दिया, डियर हिरन आंसर है, लोमड़ी भेड़िया श्यार तेंदुआ ये सब वाइल्ड एनिमल है, हिरन इज नॉट वाइल्ड एनिमल, बाकी सब मांसाहारी हैं वो शाकाहारी है, ठीक है, तो आंसर डी है, कई लॉजिक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से आंसर दो। हाँ मिलिंद, आहा हा, सोच के आंसर दो, सोच के बच्चों। हे जितेंद्र हेलो, बच्चों लाइक और शेयर करते जाओ, आप लोग अपना काम ढंग से कर नहीं रहे हो, क्लास की स्ट्रेंथ जितनी दिख रही है ना मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ सही काम नहीं कर रहे हो आप लोग। चलो अब मैं बताती हूँ आंसर है वेल, आंसर है घूंघट। देखो कैप टर्बन हेलमेट हैट ये सिर को कवर करने के लिए होते हैं, वेल फेस को कवर करने के लिए होती है, वो कभी सिर को कवर करने का उसका उद्देश्य नहीं होता, वेल जो घूंघट पहना जाता है फेस को ढकने के लिए, पर बाकी सब सिर को कवर करने के लिए पहने जाते हैं, समझ आया। हाँ हाँ बहुत बारिश हुई आज, जितेन बहुत लेट आंसर दे रहे हो, समझ आया वेल वाला या नहीं बोलो। मैं वेट कर रही हूँ, लिख एक बार होता है मैम आज, अरे नहीं नहीं दोबारा मत करो, एक ही बार कर दो, बस शेयर करते जाओ। समझ आ गया क्वेश्चन, मैं आगे चलूं, समझ आ गया आंसर वेल है, ठीक है। हाँ जितेंद्र देख लो लाइक और शेयर कम हो रहे हैं क्लास के,
हाँ ऐसे भी कह सकते हो, वेरी गुड जितेंद्र। वेरी गुड, बहुत आसान क्वेश्चन। ज्योग्राफी, फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सब साइंस के सब्जेक्ट हैं। ओके, सी आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसकी हिंदी मैंने बहुत ज़्यादा हिंदी कर दी जिससे आपको समझ में आए, ये तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। चलो जल्दी जल्दी से आंसर देते जाओ। सी डी, सी डी बी। ओके हिंदी में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है एक्चुअली। डी आंसर है, बाकी सब वाटर से रिलेटेड है। जहाज की छत, बांध, जलयान का पिछला भाग, ये मास्ट होता है जो नाव नहीं होती, नाव नाव का एक, नाव को दिशा देने वाला होता है, उसे मास्ट कहते हैं। ठीक है, बोट, बोट को डायरेक्शन देने के लिए होता है मास्ट। सी आंसर है। हाँ वेरी गुड। सी, आहा चेक कर लो एक बार। सी डी आंसर है, डी। डी आंसर है धनुष। चलो डी है, डी, डी आंसर है, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कई बार हिंदी और इंग्लिश में बहुत डिफरेंशिएशन हो जाता है, इसलिए दोनों तरफ देख लिया करो। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश तो आप लोगों को मैच करने में आसानी होगी। हाँ संग्राम, गॉट इट, सबको समझ आया। फारूक, कैसे सैनिटाइजर, कहाँ से, कहाँ पे बारिश हो रही सैनिटाइजर की भाई? वेरी गुड, किडनैप आंसर है, किडनैप। असैसिनेट, किल, स्टैब, मर्डर, ये सब मारने के लिए काम होते हैं। किडनैपिंग इज नॉट अ मर्डर। ओके, तो आंसर क्या हो गया, किडनैप। ओके वेरी गुड, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर दो जल्दी से। जल्दी जल्दी स्पीड को बढ़ाते चलो बच्चों, लाइक और शेयर करते जाओ, दोस्तों में शेयर करते जाओ। चलो आंसर है नेवला। क्यों आंसर है, देखो इसमें बहुत सारे बच्चों के लिए रॉन्ग आंसर आएंगे क्योंकि लोगों को इसका मतलब नहीं पता, प्रोक्यूपाइन का मतलब नहीं पता। सो इनका मतलब मैं बता देती हूँ, रैट, स्क्विरल, मोल और ये साही, ये सब रोडेंट फैमिली से आते हैं जो कतरते हैं। ये सारे लोग हैं जो कतरते हैं, नेवला जो है कतरता नहीं है। ठीक है, ये उस फैमिली, रोडेंट फैमिली से आते हैं। मैं एक बार पढ़ा चुकी हूँ कि रैट एक रोडेंट फैमिली से आता है। ठीक है,
हाँ ये लोगों को थोड़ा कम पता है, इसको आप गूगल कर लोगे तो आपको पिक्चर से समझ आएगा, ठीक है? इसे एक बार गूगल कर लेना, ठीक है? समझ आया? सी आंसर है, क्योंकि सी जो है रॉडेंट फैमिली से नहीं है, चूहा गिलहरी चचुंदा साई सब एक रॉडेंट फैमिली से आते हैं, ठीक है? जो कतरते हैं, जो अनाज खाते हैं, जो कतरन करते हैं, वो सब रॉडेंट फैमिली से हैं, ठीक है? चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर करते जाओ। सुनो इसकी इंग्लिश पढ़ना, हिंदी में शायद समझ ना आए बच्चों, ठीक है? पर उनकी हिंदी यही दे रखी थी। मैं बता देती हूँ उसका आंसर, देखो इसका आंसर शायद बहुत कम बच्चों को पता होगा, क्योंकि इनकी मीनिंग शायद कम बच्चों को पता होंगे। अपेंडिक्स, क्यों स्कल पेल्विस फेवला वटेबरा ये सब क्या है? बोन्स हैं ये, ये भी एक बोन है, ये भी एक बोन है, ये भी एक बोन है, स्कल भी एक बोन है। अपेंडिक्स एक ऑर्गन में आता है, ठीक है? तो आंसर बी हो गया, अपेंडिक्स ऑर्गन बी आंसर है, ठीक है? क्योंकि अब ये तो पता होना चाहिए। देखो अब होता क्या, हिंदी भी नहीं पता, इंग्लिश भी नहीं पता, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। पर इनकी हिंदी बिल्कुल सही लिखी है मैंने, पर इनकी हिंदी यही है और इंग्लिश यही है, तो ना तो हिंदी पता ना इंग्लिश पता, फिर गड़बड़ हो जाएगा। अपेंडिक्स ऑर्गन है और बाकी सब क्या है? बोन्स हैं, ठीक है? स्कल है, पेल्विस है, फेबला है, वटेबरा है, ये सब बोन्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? तो देखो जो क्लासिफिकेशन है ना, वो आपकी फर्स्ट से ग्रेड्स तक की स्टडी चेक करता है, ठीक है? ठीक है समझ आया? तो इसे आप पढ़ नहीं सकते हो, आपको कोई सिखा नहीं सकता, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती है। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस से करोगे, जितने क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करोगे, उतना फायदा होगा। चले फिर नेक्स्ट, डिनर हो गया कि नहीं हो गया ये वाली बातों पे ध्यान ना देके क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए तो फायदा होगा आप लोगों को। हाय एके, उदय हेलो, दीपक, मिलिंद, मंगेराम, क्या कर रहे हो बच्चा? डिलीट करो इस कमेंट को जल्दी से। क्लास में थोड़ा सा तो क्लास का डेकोरियम बनाए रखो। चलो देखो समझा देती हूँ। इग्लू एक घर होता है नॉर्थ रीजन, मतलब जहाँ पे बहुत बर्फ होती है, और नॉर्थ रीजन में, ओके? बाकी सब टाइप ऑफ बोट है। ये कौन है? यॉच, डिंगजी, राफ्ट, ये सब बोट है। इग्लू एक घर है, ठीक है? रहने के लिए काम में आता है। हाँ तभी तो इनके मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए, ये इसलिए रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस है कि इतनी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है? वेरी गुड, इग्लू बर्फ का घर होता है। बच्चों एक बार रिफ्रेश कर लो, जल्दी जल्दी चलो स्पीड बढ़ा दो क्विक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक
प्रशांत इग्लू टाइप कर रही ना, मिल जाएगा गूगल पे। चलो नहीं 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 इसका आंसर है, मैं बताती हूँ इसका आंसर है कोटस। अब ये बेसिक जनरल नॉलेज है, कैसे देखो समझो, लियोन करेंसी है, डिरम करेंसी है, ये सीरिया की है लियोन करेंसी, ये भाट जो है ये भाट करेंसी है थाईलैंड की, और लेम्पिरा करेंसी है हॉन्डुस की, हॉन्डुस एक कंट्री है अमेरिकन रीजन में, ठीक है, हॉन्डुस एक कंट्री है, वहाँ की करेंसी है। पर ये कोटस क्या होता है, स्पेन और पुर्तगाल के विधानसभा को हम कोटस कहते हैं, स्पेन और पुर्तगाल, ओके। तो ये बेसिक नॉलेज है, करेंसी है लियोन, दिरम, भाट एंड लेम्पिरा। जनरली लोगों ने लियोन सुना है, दिरम सुना है, भाट सुना है, लोगों ने लियोन एंड लेम्पिरा नहीं सुना, क्योंकि लियोन सीरिया की करेंसी है, लोग सीरिया के बारे की करेंसी की बात नहीं करते, वहाँ के टेररिज्म की बात करते हैं, बाकी लेम्पिरा। और ये जो लेम्पिरा करेंसी है वो बहुत छोटे कंट्री की, होंडुस की, ठीक है, और स्कॉटस कहते हैं स्पेन और पुर्तगाल के विधानसभा को, ठीक है। हाँ समझ आया, हाँ रचना, क्योंकि पहली बार आप अच्छे से आर एस अग्रवाल की बुक पढ़ रहे हो, आपने हमेशा से प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े बस, ठीक है, ओके थैंक यू। पर क्लास की स्ट्रेंथ देख के तो लग नहीं ना कि बच्चों को कुछ नया मिल रहा है, क्लास की स्ट्रेंथ तो तुम लोग इतनी रखते हो। हाँ क्या करें बच्चों, बोलो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, हिंदी में पढ़ोगे तो कम समझ आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। बच्चों प्लीज़ शेयर करते जाओ जल्दी जल्दी दोस्तों में, लाइक और शेयर करते जाओ क्विक। थैंक यू सानिया, कम ऑन, आंसर है सी, आंसर सी कैसे है? देखो ब्रिक, हार्ट, स्पेड एंड क्लब, ये सब जब ताश खेलते हैं ना, ताश में होते हैं ये, जबकि ब्रिज एक ब्रिज है। ईट, दिल, हुकुम, चिड़ी, ये सब क्या होते हैं, ताश के पत्तों में होते, समझ आया? अरे तुलनन आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी, ये कार्ड्स में आते हैं, प्लेइंग कार्ड नहीं होते, प्लेइंग कार्ड्स में होते हैं। थैंक यू सो मच सानिया, बच्चों लाइक और शेयर करते जाओ जल्दी जल्दी, ये अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, इसकी हिंदी में मैंने कन्वर्ट नहीं किया, हिंदी इसकी इतनी कन्वर्ट हो रही थी, ठीक है, क्योंकि ये किसी के नाम है, इनकी कोई हिंदी नहीं होती है। ओके सानिया, चलो देखो अच्छे से, अब ये आपको पता होना चाहिए, मोतियाबिंद, हाइप्रोमेट्रोफिया, ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, ये सब आँखों के रोग हैं, ठीक है, उनके नाम हैं। एक्जिमा एक स्किन का रोग होता है, तो हम बहुत सारे आपको दाद हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे एक्जिमा कहते हैं, तो वो एक स्किन का रोग है, डिजीज है, ठीक है, जबकि मोतियाबिंद, हाइपरमेट्रोफिया, ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, ये सब क्या है, आँखों के रोग है, सारे आँखों वाले होते हैं, बस डी नहीं होता। हाँ स्किन डिजीज है, हाँ स्किन डिजीज में स्किन रेसेज होते हैं, तो एक्जिमा में क्या होता है, रेसेज हो जाते हैं।
हाँ वेरी गुड सुपर दीपक फैंटेस्टिक देखो ये तो मेरे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो ओके रचना चलो इसका आंसर दो जल्दी से ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है नहीं सुनो आंसर है सोडियम रेडियम थोरियम पोलोनियम यूरेनियम ये सब रेडियो एक्टिव है ये रेडियो आइसोटेप होते हैं ठीक है जबकि सोडियम एक मेटल है सोडियम एक मेटल है समझ आया सोडियम मेटल है रेडियम थोरियम पोलोनियम यूरेनियम ये सब रेडियो आइसोटेप है सोडियम एक मेटल की कैटेगरी में आता है वेरी गुड मिलिंद सुपर सी रचना का भी ठीक है वेरी गुड सानिया चलो नेक्स्ट ओके मिलिंद चलो ये बहुत आसान क्वेश्चन है इसको मैं नहीं बताऊंगी आप लोग बताओ जल्दी से नहीं नहीं सोडियम मेटल है ओके बताती हूँ क्या होता है सानिया ने आंसर दे दिया दीपक ने दे दिया मिलिंद ने दे दिया वेरी गुड बट सबसे सही आंसर मुझे मिला है सानिया का सबसे पहले वेरी गुड सानिया सुपर ठीक है देखो हॉस्टल में हम लोग रहते हैं होटल में हम रुकते हैं इन में हम रुकते हैं और मोटेल में हम रुकते हैं लेकिन हम क्लब में नहीं रुकते तो आंसर डी हो गया इनका मतलब होता है जहाँ पर रुकने की जगह एक तरह के होटल को कहते हैं आपने सुना होगा एक याद दिला दूँ मैं आपको एक नाम हॉलीडे इन ये एक बहुत बड़ी होटल चेन है ठीक है हॉलीडे इन IN इसे हिंदी में सराय कहते हैं लेकिन आजकल लोग होटल होटल चेन के आगे इन लगाने लगे हैं ठीक है हाँ मिलिंद चलो वेरी गुड फैंटेस्टिक चलो फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दो जल्दी से अनुराग बहुत ही लेट आए हो बच्चों लाइक और शेयर करते जाओ एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे क्लास की स्ट्रेंथ जिस हिसाब से खराब हो रही है ना ओके बी 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 ओके चलो वेरी गुड आंसर है बी कैनल कहते हैं जब जहाँ डॉग रहता है स्टेबल कहते हैं जिसको डॉग जहाँ हॉर्स रहता है आइवरी कहते हैं जहाँ पे पक्षी रहते हैं एक्वेरियम कहते हैं जहाँ पे मछली रहती है और हाउस में हम लोग रहते हैं तो आंसर क्या हो गया हाउस हो गया वेरी गुड फैंटेस्टिक बच्चों लाइक और शेयर तो बनता है हाँ यहाँ मछली रहती है एक्वेरियम में मछलियाँ रहती हैं चलो बच्चों चलो लाइक और शेयर करते जाओ आज के लिए इतना ही आज मैं 20 क्वेश्चन लेके आई थी ठीक है अगर आपकी क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ेगी देन आई थिंक अबाउट इट कुछ ज़्यादा लेके आऊँगी क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ाओ ये तुम लोगों का टारगेट है फिर क्वेश्चन लेके आऊँगी ज़्यादा ठीक है चलो
बच्चों ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ सारी क्लास के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। हमारे यूट्यूब को लाइक और कमेंट करो। देखो ये मेरा कोड है लाइव पीएस, जिसको भी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है वो इस कोड को अप्लाई करो, उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 10% अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस पे आपको सारे सब्जेक्ट मिलते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, और आपको मॉक टेस्ट भी मिलता है बच्चों। साथ के साथ आपको क्या मिलता है, आपको लाइव डाउट क्लासेस भी मिलते हैं, और प्री मेंस सबकी तैयारी साथ होती है। ठीक है, सारे बैचेस मिलेंगे, प्री के भी मिलेंगे, मेंस के भी मिलेंगे, बहुत फ्रूटफुल क्लासेज हैं ये। सो आज ही ज्वाइन करो और ये टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 10:30 के बैच में। 10:30 के बैच में मैं SSC का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आ रही हूँ, जो अभी मार्च में हुआ था। ठीक है, 7 मार्च को या 6 मार्च का पेपर है, तो वो पेपर लेके आ रही हूँ। जिस किसी ने पेपर दिया हो आना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना बच्चों, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। मिलन ले तो लूंगी, पर क्लास से मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिलता। है देखो इतने बच्चे कम है तुम्हारे क्लास में। अरे चलो कोई बात नहीं शानी है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय, लवली टू मीट यू बच्चों, और प्लीज़ क्लास का डेकोरम बना के रखो, फालतू के कमेंट मत करो। ठीक है, श्योर लेके आऊँगी तुलन वर्मा, वेरी श्योर लेके आऊँगी। आज मैं 10:30 के बैच में SSC का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आ रही हूँ, प्लीज़ बी ऑन टाइम, और सभी लोग आना। ठीक है, और दोस्तों को शेयर जरूर करते जाना। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय। सानिया कराऊंगी, पर देखो स्ट्रेंथ भी तो देखो क्लास की, मेरा मोटिवेशन बिल्कुल डाउन होता जा रहा है क्लास की स्ट्रेंथ देख के। हाँ चलो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं 10:30 की क्लास में।